एक पंखे बनाने वाली फैक्ट्री दे विच अग लगी है ते अग लगन दियां ए तस्वीरां सामने आईयां ने। तस्वीरां साफ देखा जा सकता है कि फैक्ट्री दे विच किन्ने भयानक तरीके दे नाल अग लगी हुई है। अग दियां उच्ची उच्ची उठ रहीयां लपटां खुद बयान कर रहीयां ने कि अग किन्नी भयानक लगी हुई है। कहा जा रहा है कि इस फैक्ट्री दे विच पंखे बनाने का काम हुंदा, रंग पेंट का काम हुंदा है ते इस दे विच जो थिनर पिया सी पहला सब तो उस दे विच अग लगती है। तो दस दिए कि थिनर तो लगी अग ने वड्डा रूप धारे है, जिस दे विच कहा जा रहा है कि जो फैक्ट्री मालक है उसका लखा रुपए का नुकसान होया। तो ये तस्वीर सामने आईया ने, हालांकि गनीमत रही है कि इस हादसे दे विच किसी दे भी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि इस फैक्ट्री दे विच कहा जा रहा है कि 350 तो भी वध कर्मचारी काम करते हैं। पर कहा जा रहा है कि अग उस समय लगी जदों ये सारे कर्मचारी घर जा चुके सी, तां अचानक ही थिनर दे विच अग लगती है। तो उस तो बाद कहा जा रहा है कि सारी फैक्ट्री ही अग की चपेट दे विच आ जाती है। तो नालागढ़ तो एक खबर सामने आई है जिथे कि एक फैक्ट्री दे विच भयानक अग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड दियां कई गड्डियां मौके दे उत्ते पहुंचियां ने, पुलिस प्रशासन मौके दे उत्ते पहुंचिया है ते मामले की जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर थिनर दे विच अग लगी किवें आ। तां कहा जा रहा है कि पेंट बनाउण दे विच थिनर का प्रयोग किया जाता है, पर अचानक ही थिनर खुले दे विच पिया सी ते उस दे विच अचानक ही अग लग जाती है। हालांकि अग लगन तो बाद सारी ही फैक्ट्री अग की चपेट दे विच आ जाती है। इलाके दे विच सहम का माहौल बन जाता है, पर गनीमत रहती है कि कोई भी कर्मचारी इस अग की चपेट दे विच नहीं आउंदा। हालांकि कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जरूर इसकी चपेट दे विच भी आया, पर उसनू तुरंत हस्पताल दे विच दाखिल करवा दिता गया, जिथे उसकी हालत जो है वह खतरे तो बाहर दसी जा रही है। हल्के ही जी कहा जा रहा है कि उसके जो शरीर के उत्ते अग लगी है झुलसिया वह, पर उसनू तुरंत इलाज के लिए हस्पताल दे विच दाखिल भी करवा दिता गया। वो थिनर से लगाया, कितने बजे लगी थी? लगा था 4:30 बजे। जो थिनर है वो अंदर खुला रहता था कि खुला है, पेंटिंग होता है जी उससे। पेंटिंग होता था उसमें, शॉर्ट सर्किट लगने के कारण रहते हैं ज्यादा, है ना? 5:30 बजे ना, 5 बजे लगी थी आग। कोई अंदर रहा तो नहीं? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। आप आ गए थे सारे वहाँ? सब कोई आ गए थे। कोई क्या लगा, क्या कारण था? लगा कुछ लगा, पर अंदर क्या लगी थी आग? है थिनर से लगी थी आग। थिनर से? हाँ। थिनर से जो केमिकल होता है केमिकल वो खुला पड़ा होता है अंदर? हाँ। खुला पड़ा होता है? नहीं, खुला पाने बंद रहता है। लगी थी आग कि पैर से लग रही थी, उसमें लगी थी आग। ओके। वो पेंटिंग का काम होता है थिनर से? थिनर से पेंटिंग का काम होता है, उससे आग लगी थी ना? में चलती है। निकल गए थे सारे, सारे रूम पे पहुंच गए थे ना? कोई नुकसान तो नहीं आया अभी तक? कोई ये ना दोस्त है? ये अंदर नहीं बताएगा, हम तो चल गए थे अकेले। चले गए थे ना? आप भी इसी कंपनी में करते हैं काम? है जी, हां जी, इसी में काम, इसी में काम करते हैं। तो जब आप भी यहीं थे जब आग लगी थी? नहीं सर, मैं छुट्टी करके चला गया था। कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसकी कंपनी में? कंपनी में बहुत ज्यादा हुआ है। है जी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। नहीं, कोई जानी माल नुकसान तो नहीं है? नहीं, जान किसी का नुकसान नहीं है। इधर हां हां, कितने बंदे काम करते हैं अंदर? कितने बंदे अंदर काम करते थे? 300-350। तो एक शिफ्ट में कितना काम करते हैं बंदे? वन शिफ्ट ही चलता है, मॉर्निंग ही चलता है। मॉर्निंग एक ही जनरल शिफ्ट चलती है ना? कितने बंदे जाते थे जनरल शिफ्ट में? 400 लोग। नाइट सर्विस तो नहीं इसमें कोई कंपनी? तो जब कंपनी में आग लगी थी लोग चले गए थे, यही थे अंदर? कुछ लोग थे, कुछ लोग चले गए। अच्छा अच्छा, ठीक। इसको बदी पुलिस को करीब 550 मिली थी कि एक मार्क नाम की कंपनी है जो पंखे बनाने का काम करती है, वहाँ पे आग लगी हुई है। तो तुरंत फायर ब्रिगेड से संपर्क किया गया, फायर डिपार्टमेंट से फायर टेंडर से मंगवाए गए और हम भी मौके पर पहुँचे हैं। तो ज्ञात हुआ है कि एक व्यक्ति को थोड़ी सी उसमें थोड़ा झुलसा है, वो 10-15% के आसपास, तो उपचाराधीन है और मौके पर भी आग लगी हुई है। इसको जो है फायर ब्रिगेड की हेल्प से काबू पाया जाए।